वेलकम स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र वर्मा आपका एडविज एजुकेशन AEJEE क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जेई की बहुत हैवी वैकेंसी आने वाली है। सो हमारा एडविज एजुकेशन आप लोगों के लिए संकल्प बैच लेके आ रहा है एसएससी जेई फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम रहेगा और ये स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख से, जिसके लिए अभी ऑफर प्राइस जो है हमारा 4,500 रुपये है। एक्चुअल प्राइस तो इसका 14,000 रुपये है। इसके लिए आपको 1 ईयर की कोर्स वैलिडिटी मिलेगी। सो ये आप लोगों के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है अपने कैरियर को बूस्ट करने का। अगर आप लोगों को इसके संबंधित कुछ भी डाउट होता है तो आप इन नंबरों पे कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये हमारा संकल्प बैच जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है बस, और इसके लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला फीचर्स है कि हम आपके लिए 750+ आवर्स लाइव कंटेंट्स अवेलेबल करा रहे हैं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। यहाँ पर आप लोगों को बुक वर्कबुक प्रोवाइड की जाएगी PDF के फॉर्म में। 3,000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। कोर्स का जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके लिए आप लोगों को रिकॉर्डेड लाइब्रेरी अवेलेबल कराई जाएगी HOD एंड एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। समय समय पे आपको गाइडलाइन किया जाएगा और बाकी आपका मंथली टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और ये 360 दिन कोर्स वैलिडिटी रहेगी। ये सब तो हमारे फीचर्स हैं, क्लियर है। ये जो कोर्स है इसका ऑफर प्राइस बहुत ही मिनिमम 4,500 रुपये रखा गया है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। सो आप अगर आपका जीवन का एम है सरकारी नौकरी SSC JEE लगाना तो आप इस संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, आजकल जो कंपटीशन का लेवल होते जा रहा है वो हाई लेवल होते जा रहा है। जो सीटों की संख्या है वो कम और जो विद्यार्थी उसमें अपियर होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। सो आजकल जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम के अनुसार हाई होते जा रहा है। आपको अपनी तैयारी पहले से करके रखनी पड़ेगी। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलने के बाद, फॉर्म भरने के बाद जो आप तैयारी करेंगे उसके लिए ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट हो जाता है और उसमें अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाता। सो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संकल्प बैच ज्वाइन कर लिए। एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा यहाँ पर क्लासेस ली जाएंगी। जैसे कि आप लोग गेट में जानते हैं हमारे गेट एकेडमी का क्या नाम है पूरे इंडिया में, तो ये एडविद एजुकेशन उन्हीं की एक शाखा है जिसमें आप लोगों के लिए जो स्टूडेंट SSC JEE को टारगेट बना के पढ़ रहे हैं उनके लिए ये स्पेशल बैच लॉन्च की गई है। अभी जो क्वेश्चंस के लेवल होते जा रहे हैं वो SSC JEE में भी अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन आते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं। ये IAS का क्वेश्चन है और स्टेट AE और JEE एग्जाम में भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे इस पार्टिकुलर सर्किट के लिए हमको RTH और VTH की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो थोड़ा ध्यान देंगे, जब भी डिपेंडेंट सोर्स का प्रॉब्लम आ जाता है कभी सर्किट में तो वहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स को हम इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह शॉर्ट या ओपन नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम ओपन करते हैं। एक्चुअल में हम उन सोर्सेस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स का कोई शॉर्ट एंड ओपन नहीं होता है। अगर डिपेंडेंट सोर्स के प्रॉब्लम आपको दिख गए थेवेनिन एंड नॉर्टन के, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है VTH, फिर आपको निकालना पड़ता है ISC और थर्ड में आप निकालते हैं RTH या ZTH, और इसको निकालने का कोई अदर मेथड नहीं है, आपको VTH बाय ISC करके ही फाइंड करना होगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में हमको पता चल गया कि हमको करना क्या क्या है, तो चलिए करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर फाइंडिंग VTH फाइंड करने के लिए देखेंगे ये सर्किट है। करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ पर एंटर की प्लस, यहाँ एग्जिट की माइनस।
ये करंट यहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ चली गई तो वापस कैसे आएगी? करंट जिस बार एक बार जिस पास से चली जाती है उस पास से वापस नहीं आ सकती, उसको पूरा लूप कंप्लीट करते हुए वापस आना होता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा इसके अक्रॉस वही होगा हमारा वी ए बी, और वी ए बी ही क्या होगा हमारा वी टी एच। सो यहाँ से करंट आई, यहाँ एंटर की प्लस, यहाँ एग्जिट की माइनस। ये प्लस माइनस हमारे वी ए बी के प्लस माइनस से अपोजिट है, इस कारण यहाँ माइनस लगाएंगे। और वोल्टेज कितना है? अल्फा आई इंटू आर बी। अब देखेंगे ये जो आई करंट है वो यहाँ के आई करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो यहाँ से आई करंट निकाल लेते हैं। तो आई हो जाएगा हमारा माइनस वी वन प्लस आई आर ए इज इक्वल टू जीरो। तो I इज इक्वल टू V1 बाय RA। तो हमारा जो VTH आ जाएगा माइनस अल्फा RB V1 बाय RA। माइनस अल्फा RB, माइनस अल्फा RB V1 बाय RA हमारा ऑप्शन नंबर A में भी है और ऑप्शन नंबर C में भी है और हमारा ऑप्शन नंबर D में भी है। तो यहाँ से हम VTH मात्र से ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब हमारा सेकेंड ऑप्शन रहेगा कि हम ISC फाइंड करें, तो चलिए ISC फाइंड करते हैं। सो फॉर फाइंडिंग ISC, ISC फाइंड करने के लिए यहाँ देखेंगे हम इस ए बी को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। हम इस ए बी टर्मिनल को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ए से बी तक जाने वाली शॉर्ट सर्किट पाथ में जो करंट रहती है उसको हम आईएससी बोलते हैं। अब देखेंगे यहां से जो हमारी अल्फा आई वन करंट आएगी वो अब यहां नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस है और यहां पर शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो सारी की सारी करंट यहीं से चली जाएगी। तो इस ISC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी अल्फा आई के बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब यहाँ पर जो आई है वो हमारे इस आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से आई निकाल लेंगे। तो ये आई हमारा आएगा वी वन बाय आर ए, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो माइनस अल्फा वी वन बाय आर ए आया। VTH हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, VTH हमारा था माइनस अल्फा वी वन आर बी बाय आर ए। तो चलिए अब लास्ट अपना ZTH फाइंड कर लेते हैं, ZTH मतलब RTH फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा आएगा VTH बाय ISC, VTH है हमारा माइनस अल्फा वी वन आर बी बाय आर ए अपॉन माइनस अल्फा वी वन बाय आर ए। ये यहाँ से कैंसल हो गया, ये क्या आया, आर बी आया। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। तो देखेंगे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो आप लोग को एक प्रॉपर मार्गदर्शन की जरूरत है, वो मार्गदर्शन हमारे जो ये बैच चालू हो रहा है वहां से आपको मिलेगा। तो आप समय ना गवाएं, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। थैंक यू स्टूडेंट।